गुड मॉर्निंग किड्स, दिस इज शिप्रा हेयर, योर मैथ्स टीचर। सी किड्स, एज यू ऑल नो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 मनी कॉन्टिन्यूएशन में है। लास्ट वीक हमने डिस्कस की थी हमारी बेसिक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 14, विच वॉज रिलेटेड विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ओके, उसकी रिविजन वर्कशीट भी हम कर चुके हैं। नाउ टूडे वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज 14.4 एंड 14.6। ये दोनों एक्सरसाइज हमने लास्ट वीक कंप्लीट नहीं की थी, मैंने बोला था इनको अभी लेफ्ट करके रखो। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 14.4। ओके, 14.4 हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारा, आई बोट अ बुक फॉर रुपीज़ 150 रुपीज़ 50 पैसे एंड अ पॉकेट डिक्शनरी फॉर रुपीज़ 100 रुपीज़ एंड 75 पैसे। हाउ मच अमाउंट डिड आई स्पेंड इन ऑल। इसका मीनिंग क्या है कि मैंने एक पॉकेट डिक्शनरी परचेज की है, खरीदी है। कि बोट का मीनिंग होता है परचेज या खरीदना, 150 रुपीज़ 50 पैसे की, एंड पॉकेट डिक्शनरी कितने के लिए, 100 रुपीज़ 75 पैसे की। टोटल अमाउंट मैंने कितना स्पेंड किया। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, यू ऑन लो क्या उनसे सोल्यूशन यूज़ करते हैं, प्लस। यस, तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम भी क्या बनेगी, सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, बुक का प्राइस, देन कॉस्ट ऑफ द बुक और प्राइस ऑफ द बुक, एनीथिंग एज 150 रुपीज़ 50 पैसे, प्राइस ऑफ द पॉकेट डिक्शनरी 100 रुपीज़ 75 पैसे, टोटल अमाउंट आई स्पेंट, टोटल अमाउंट मैंने कितना स्पेंड किया, क्या कर देंगे टोटल के लिए, प्लस। 0 + 5 = 5, 7 + 5 = 12 की 2, 1 कैरी, 0 + 1 = 1, देन 5 and 1 + 1 = 2। ओके, सो कितना अमाउंट आ गया मेरा, आई स्पेंड ₹251.25 इन ऑल। टोटल मेरा कितना खर्चा आया, 251 रुपीज़ 25 पैसे। सो नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 14.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, सी मैं आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी और जो मीनिंग है वो सब क्वेश्चंस का बताऊंगी। आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट। आ वेजिटेबल सेलर, आप एक किच यस किच सभी अपनी बुक भी ओपन कर लो मेरे साथ। ओके, बुक ओपन करो और देखो। आ वेजिटेबल सेलर बोट फ्रूट फॉर ₹590.50। वेजिटेबल सेलर ने क्या करे हैं, फ्रूट्स खरीदे हैं। बोट मतलब होता है खरीदना, कितने के खरीदे हैं, 590 रुपीज़ 50 पैसे। एंड वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां, वो कितने की खरीदी है, 755 रुपीज़ 75 पैसे। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया। सेम इस क्वेश्चन की तरह है ये, सी कैसे राइट करेंगे हम, वेजिटेबल सेलर बॉट फ्रूट्स रुपीज एंड पैसे, इस तरह से आप हेड बनाओगे, रुपीज एंड पैसे, कितने रुपीज के थे, 590 रुपीज, देन 50 पैसे। उसके बाद अगर हमारी सेम लाइन रिपीट हो रही है तो हम इस तरह से डैश लगाते हैं। वेजिटेबल सेलर बोट, जो वर्ड चेंज हो रहा है उसको राइट करते हैं, बोट वेजिटेबल्स, हाउ मच, 755 रुपीज़ 75 पैसे। अब क्या बताना था, टोटल अमाउंट। लास्ट लाइन में हम वर्ड क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर सेम राइट करते हैं, अमाउंट डिड ही स्पेंड इन ऑल। सी 5, 7 + 5 = 2, 1 कैरी, 5 + 1 = 6, 9 + 5 = 14, 4, 1 कैरी, 5 + 5 = 6 and 6 + 7 = 13। अमाउंट डिड ही स्पेंड इन ऑल, 1,346 रुपीज़ 25 पैसे। इसी पैटर्न में आपको सेम क्वेश्चन अपना नोटबुक में करना है, ठीक है। क्या करना है, स्टेटमेंट और प्लस। अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, इसका सिर्फ मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी, सोल्व आप खुद करेंगे। अनु रिसीव ₹550 फ्रॉम हिज मदर एंड ₹250 and 75 पैसे फ्रॉम हिज फादर। अनु ने अपनी मदर से रिसीव किया 500 रुपीज़ 50 पैसे, फादर से रिसीव किया 250 रुपीज़ 75 पैसे। हाउ मच मनी डज ही रिसीव इन ऑल, टोटल उसने कितनी मनी रिसीव किया। ओके,
क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइंड द सम, ये थ्री अमाउंट आपके दिए हैं, इनका आपको सम फाइंड करना है। नाउ सी, ये भी आपको खुद करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर, क्लास सेकंड ऑफ अ स्कूल कलेक्ट रुपीज 550, क्लास थर्ड कलेक्ट रुपीज 475 रुपीज 75 पैसे एंड क्लास फोर्थ कलेक्ट रुपीज 915 रुपीज 25 पैसे फॉर रेड क्रॉस सोसाइटी। फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल थ्री क्लासेस इन ऑल। क्लास स्कूल के स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया गया था, उन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब कि एक चैरिटी होती है जो लोगों को डोनेट करनी है, जहाँ पे हम लोगों को अपनी मनी डोनेट करते हैं, उसके लिए पैसे कलेक्ट करने थे, मनी कलेक्ट करनी थी। तो क्लास सेकेंड ने कितनी कलेक्ट की है, रुपीज़ 550, थर्ड ने 775.75 पैसे एंड फोर्थ ने 915 रुपीज़ 25 पैसे। हमें टोटल बताना है। लेट्स सी हाउ यू विल सॉल्व। क्लास सेकंड ऑफ अ स्कूल कलेक्ट रुपीज़ पैसे का हेड बनाएंगे 550 रुपीज़। अब आपके पास ये पैसों का अमाउंट नहीं है तो पैसों के लिए आप क्या लगा देंगे, जीरो। क्या लगा देंगे, जीरो। क्लास थर्ड ऑफ अ स्कूल कलेक्ट 475 रुपीज़ 75 पैसे। क्लास फोर्थ ऑफ अ स्कूल कलेक्ट 915 रुपीज़ 25 पैसे। टोटल देन क्या पूछा था, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल थ्री क्लासेस। देन हम क्या कर देंगे, इन्हें प्लस, 0 + 5 = 5, 5 + 5 = 10, 0 1 carry 7 + 1 8 and 8 + 2 10, 0 1 नेक्स्ट नंबर पर कैरी, ऐसे सिखाया था। 5 + 1 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 1 = 11, 1 यहाँ पर एंड देन 1 नेक्स्ट नंबर पर कैरी। 5 + 1 = 6, 6 + 7 = 13, 13 + 1 = 14, 4 हेयर एंड 1 कैरी। 5 + 1 = 6, 6 + 4 = 10 and 10 + 9 = 19, क्या है, 19। टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ऑल थ्री क्लासेस 1,941 रुपीज़ 0 पैसे। कितने रुपीज़ कलेक्ट किए टोटल, 1,941 रुपीज़। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.4 जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 and 4 मैंने आपको सोल्व करके भी दिखाया है और अब आपको नोटबुक में ये कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करनी है। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 14.6। सी द एग्जांपल, मिस्टर रोहन हैड रुपीज 2500 इन हिज बैंक अकाउंट। मिस्टर रोहन के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट का मीनिंग होता है जहाँ पर हम अपनी मनी को सेव करते हैं। कितने रुपीज रखे हैं उसके बैंक अकाउंट में, 2500। ही withdrew, withdrew का मतलब होता है निकालना, क्या होता है, निकालना, ₹125.75 फ्रॉम हिज अकाउंट। उसने अपने अकाउंट से इतने रुपीज निकाल लिए। हाउ मच मनी डिड ही हैव इन हिज अकाउंट, तो इतना अमाउंट था, इतना उसने निकाल लिया, तो कितने अमाउंट उसके बैंक में बचा। टोटल मनी इन अकाउंट 2500 एंड पैसों में क्या जाएगा, 0 0। मनी विड्रॉ, मनी विड्रॉ 125 रुपीज़ 75 पैसे, मनी लेफ्ट इन द अकाउंट। क्वेश्चन वर्ड छोड़ के आपको थर्ड लाइन बनानी, करो। 0 में से 5 माइनस हो सकता है, नो, इससे हेल्प मांगी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी, यहाँ पर हेल्प कौन करेगा, 5 ने इसकी हेल्प करी, क्या रह गया, 5 कितना बन गया, 4, और ये क्या बन गया, 10। विच 10 ने इसकी हेल्प की तो ये क्या बन गया, 9, और ये क्या बन गया, 10। इस 10 ने इसकी हेल्प की तो ये रह गया 9 और यहाँ हो गया 10। इस 10 ने इसकी हेल्प की तो ये क्या हो गया, 9 और ये बन गया 10। नाउ 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3 एंड देन 2। 2374 रुपीज़ 25 पैसे उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ बचे, 2374 रुपीज़ 25 पैसे। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज। आई हैड रुपीज़ 500 इन ऑल, मेरे पास टोटल कितने रुपीज़ है, 500। आई स्पेंड ₹75.75 ऑन कन्वेंस। कन्वेंस का मीनिंग होता है आप कोई व्हीकल या कहीं से आप कुछ जाते हो रेंट पे, जैसे कि ऑटो रिक्शा, किसी भी चीज़ का जो आप पे करते हो, रेंट भाड़ा पे करते हो, उसी के बोलते हैं कन्वेंस। हाउ मच मनी डू आई हैव नाउ, मेरे पास कुल कितने रुपीज़ बचे, सी मेरे पास टोटल थे कितने रुपीज़, रुपीज़ पैसे 500 रुपीज़ थे, पैसों में क्या जाएगा, 0।
I spent on conveyance 75 rupees 75 paise. Amount do I have now? इतने थे, इतने खर्च कर दिए, अब मेरे पास कितना अमाउंट बचा? जीरो में से फाइव इम्पॉसिबल है, इसकी हेल्प ली, इसमें से इम्पॉसिबल है, फिर जीरो अगेन, यहाँ पर क्या है हमारे पास फाइव, इस फाइव अपने हेल्प की तो ये क्या रह गया फोर, ये क्या बन गया टेन, टेन ने इसकी हेल्प की तो ये क्या रह गया नाइन और ये बन गया टेन, इस टेन ने इसकी हेल्प की तो ये क्या बन गया टेन और ये रह गया नाइन, यहाँ बन गया नाइन, अब इस नाइन ने अपना वन नंबर इसको दिया तो ये क्या बन गया टेन और ये रह गया नाइन. सी टेन में से फाइव गए फाइव, नाइन में से सेवन गए टू, नाइन में से फाइव गए फोर, नाइन में से सेवन गए टू और ये हो गया फोर. तो कितने रुपीज़ बचे मेरे पास? 424 रुपीज़ 25 पैसे. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू. मिसेस सविता परचेज अ पेयर ऑफ बैंगल. सविता ने क्या खरीदा है? बैंगल्स का एक पेयर खरीदा है. कितने रुपीज़ का? 750 रुपीज़ 25 पैसे. उसने शॉपकीपर को टोटल कितने रुपीज़ दिए? उसके पास चेंज नहीं था तो उसने 1000 रुपीज़ दे दिए. हाउ मच अमाउंट डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू हर. अब शॉपकीपर उसे कितना अमाउंट रिटर्न करेगा? सी उसने शॉपकीपर को दिए कितने हैं? 1000, तो 1000 रुपीज़ दिए और बैंगल्स कितने की थी? 750 रुपीज़ 25 पैसे. तो सविता ने शॉपकीपर को दिए 1000 रुपीज़. बैंगल कितने की परचेज की? शी परचेज अ बैंगल 4 रुपीज़ 750 रुपीज़ 25 पैसे. अमाउंट डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू हर. अमाउंट जो उसे शॉपकीपर रिटर्न करेगा. सी वही जीरो में से नहीं, नॉट पॉसिबल, अगेन जीरो 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 जीरो, यहाँ पे आके हमें एक अमाउंट मिलता है. वन ने इसकी हेल्प की तो वन तो बन गया जीरो, ये बन गए टेन, टेन ने इसकी हेल्प की तो ये क्या बन गया नाइन और ये बन गया टेन, इस टेन ने इसकी हेल्प की तो यहाँ रह गया नाइन, यहाँ बन गया टेन, इस टेन ने इसकी हेल्प की तो यहाँ रह गया नाइन और ये बन गया टेन, टेन ने इसकी हेल्प की तो नाइन टेन, टेन में से फाइव गए फाइव, नाइन में से टू गए सेवन, नाइन में से जीरो गए नाइन, नाइन में से फाइव गए फोर और नाइन में से सेवन गए टू, ये जीरो. कितना अमाउंट रिटर्न किया शॉपकीपर ने उसे? 249 रुपीज़ 75 पैसे. कितना अमाउंट रिटर्न किया? 249 रुपीज़ 75 पैसे. ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर थ्री. सब्ट्रैक्ट ₹50 55 फ्रॉम ₹100. 100 रुपीज़ में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ एन अम्ब्रेला एंड अ रेनकोट टुगेदर. आप मार्केट में गए, विंटर का सीजन है, क्या खरीदा आपने वहाँ से? एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला 900 का. अब उस टोटल आपका जो अमाउंट था वो 900 की थी दोनों चीज़ें. घर पर आए, मम्मा ने पूछा बेटा दोनों चीज़ कितने की लाए हो, तो आपने क्या कहा मम्मा जो अम्ब्रेला है वो कितने का है? 45 रुपीज़ का. तो मैंने कहा बेटा रेन कॉस्ट की कॉस्ट कितनी है, तो हम क्या करेंगे भाई टोटल में से एक की कॉस्ट पता है उसको माइनस कर देंगे. द कॉस्ट ऑफ एन अम्ब्रेला एंड रेनकोट टुगेदर इज ₹900. सेकेंड लाइन बनेगी द कॉस्ट ऑफ एन अम्ब्रेला 45 रुपीज़ 50 पैसे. थर्ड द कॉस्ट ऑफ एन रेनकोट, और फिर क्या कर देंगे 900 में से 45 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ये था हमारा क्वेश्चन. ओके नाउ आई हैव एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम बोथ एक्सरसाइज एंड योर टू डे, योर टू डेज होमवर्क इज सोल्व एक्सरसाइज 14.4 एंड 6 कंप्लीट इन योर मैथ्स नोटबुक. ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट कॉन्टैक्ट मी एंड टेक्स्ट मी इन रिसीविंग ग्रुप. सो थैंक यू किड्स, बाय बाय.